हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन मसाला पे। तो काफी टाइम के बाद में एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आज हम शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सर्ट्स और इंडिसेस, घातांक और करड़ी। तो सबसे पहले हम इसका जो है बेसिक जानेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो सर्ट्स और इंडिसेस ये चैप्टर है, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो इसके फार्मूले होते हैं। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला कह लीजिए या फिर किस तरीके से घातांकों और कड़ी के साथ डील किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले उसी पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपके पास कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है और उसको हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आप बार बार मल्टीप्लाई करोगे, कहने का मतलब है इसको अगर एन बार हम मल्टीप्लाई करें, तो ए संख्या को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे एन बार, तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो ए की पावर एन आने वाला है। अगर आप दो को दो गुड़े दो करते जाइएगा, जितनी बार उसकी गुणा करोगे उसका मतलब हो जाएगा दो की पावर उतनी ही, जितनी बार आप गुणा करोगे। ये हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे कहें कि ए की पावर एम लिखा हुआ है और ए की पावर एन लिखा हुआ है, हमारे पास दो नंबर हैं जो पावर में लिखे हुए हैं और दोनों का बेस जो है वो सेम है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों का बेस सेम है और उसकी पावर अलग अलग लिखी हुई है, तब आप इसको कंबाइन करके लिखोगे ए की पावर एम प्लस एन। आपने पढ़ा होगा गुणा में जो है घाते जुड़ जाती हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर, गुणा में घाते यहाँ पर जुड़ जाती हैं, इसकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी ए की पावर एम प्लस एन। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आपके पास दिया हो ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, ठीक है, अब यहां पर देखिए हम भाग कर रहे हैं, आपका जो बेस है वो दोनों में सेम होना चाहिए, यहां पर भी बेस ए है यहां पर भी बेस ए है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस वन, जब एम बड़ा होगा एन के, ठीक है। इसी में अगर हम कहें कि एन बड़ा है एम के, एन जो है एक नंबर है, एम एन नंबर है, कोई भी बड़ा हो सकता है कोई भी छोटा हो सकता है, तो n यहां पर अगर बड़ा कर देंगे तब क्या होगा, मतलब कि नीचे वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, तो नीचे वाली संख्या बड़ी हो जाएगी तो पावर नीचे शिफ्ट हो जाएगी, मतलब कि a की पावर n माइनस m, ये चीज हो जाएगी। इसी तरीके से जब m और n बराबर हो जाए, यहां पर जो वैल्यूज हैं वो m और n की बराबर हो जाएगी, तो जब m और n की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो यहां पर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी जो वैल्यू आने वाली वो किसके बराबर हो जाएगी, ये भी बराबर, तो इसकी वैल्यू एक के बराबर हो जाएगी, ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन, ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन और ए की पावर जीरो, मतलब कि एक हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो ए की पावर एम माइनस एन, ठीक है। एम और एन बराबर हैं तो यहां पर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा ए की पावर जीरो, और ए की पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है, एक। ये हो गया एम बराबर एन के केस में। तो देखिए अब देखिए यहां पर a की पावर m की होल पावर n, a की पावर m की होल पावर n, ये किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है a की पावर m इंटू एन, ए की पावर m की होल पावर n, ये हो जाएगा a की पावर m इंटू एन, ठीक है, यहां पर गुणा हो जाएगी। इसी तरीके से a b c, इसकी पावर अगर m दे दिया जाए, a b c की पावर m, यानी तीन संख्या हमारे पास प्रोडक्ट में लिखी होंगी और सभी की पावर सेम है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू b की पावर m इंटू सी की पावर एम, ठीक है। इसी तरीके से एक यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है जो बहुत ही क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होती है और उस पर जो है बेस क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो आप यहाँ पर लिखा देख रहे हो ए की पावर एम की होल पावर एन, ठीक है, एक ये चीज़ होती है, दूसरी चीज़ होती है ए की पावर एम की पावर एन, तो ये दोनों चीज़ बराबर नहीं, ये दोनों चीज़ अलग अलग होती हैं। ए की पावर एम की पावर एन, ये इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, ए की पावर एम एन के, और इसकी जो वैल्यू होती है कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो दो की पावर तीन की पावर दो, ये है दो की पावर तीन की पावर दो, अगर इसी चीज को हम यहां पर एग्जाम्पल लें तो ये हो जाएगा दो की पावर तीन की होल पावर दो, तो यहां पर जो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, दो की पावर तीन गुणा दो, यानी दो की पावर छः चौंसठ। अगर यहां पर हम इसकी बात करें तो ये ऊपर से सॉल्व करना स्टार्ट किया जाता है, ऊपर से इसको सॉल्व करेंगे तो तीन की पावर दो, अभी आप यहां पर बेस को जो है इग्नोर कर दीजिए, बेस को आप हटा दीजिए, ठीक है, बेस से आपका मतलब नहीं है, ऊपर से देखिए तीन स्क्वायर लिखा हुआ है तो तीन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, नौ, तो अब आप इसकी जगह पर नौ लिख देंगे, ये हो गया नौ। अब यहां पर बेस देखिए क्या लिखा हुआ है, दो की पावर नौ, ठीक है, तो इसमें फर्क है, आप ये चीज आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और आगे देखिए, अब देखिएगा यहां पर a की पावर m बराबर b की पावर m,
यहां पर देखेंगे दो हमारे पास अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं और दोनों की जो पावर है वो सेम लिखी हुई है, अलग अलग नंबर है, पावर सेम है, पावर अगर सेम हो जाएगी तो इसका जो बेस होगा वो बराबर हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। अगर यहां पर पावर सेम है तो बेस बराबर हो जाएगा। इसी चीज से दूसरा आप याद रख सकते हो, दूसरा क्या होता है, ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम। अब देखिए यहां पर जो है, अब बेस सेम हो चुका है, पावर अलग अलग हो चुकी है, बेस सेम है, पावर अलग अलग हो चुकी है, तो उस केस में ये जो पावर है वो बराबर हो जाएगी, एम बराबर एन। अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर बराबर हो जाएगी। अगर पावर अलग अलग है, बेस सेम है, तो पावर बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से ये हो गया। इसी तरीके से ए की पावर ए बटे बी की पावर, अगर एन इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको हम आगे फर्दर क्या लिखेंगे, ए की पावर एन बटे बी की पावर एन। ठीक है, अब आप यहां पर याद रखेंगे ए की पावर जो जीरो होता है उसकी वैल्यू एक के बराबर होती है। एक की पावर जीरो, कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, अगर उसकी पावर हम जीरो करेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आने वाला है वो एक आने वाला है। ठीक है, ए की पावर पी बटा क्यू, ए की पावर पी बटा क्यू, ए की पावर पी बटा क्यू है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए की पावर, अगर हम इसको अपान में ले जाना चाहें, एक बटे की पावर बटे में लेके जाएं, तो एक बटा ए की पावर माइनस पी बटा क्यू, या आप ऐसा कर सकते हो ए की पावर पी, ए की पावर पी को आप क्या लिखोगे, एक बटे ए की पावर माइनस पी। पावर को अगर आप एक के अपान में लेके जाओगे तो वो माइनस की हो जाएगी, यानी कि चिन्ह निगेटिव हो जाएगा। अगर ए की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, अगर आप इसको लिखोगे तो एक बटे ए की पावर एक्स, कहने का मतलब है अगर पावर को आप नीचे लेकर जाओगे तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो हो गई कुछ आइडेंटिटीज जो आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर ये आपको पता है तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे घातांक और कड़ी के, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अगर ये लिखा हो अंडर रूट ए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए की पावर एक बटे दो। ठीक है, इस तरीके से लिखा हो कड़ी में तीन हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए की पावर एक बटा तीन। ठीक है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर कड़ी में एन दिया होगा और ए लिखा होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए की पावर एक बटा एन। ठीक है, इसी तरीके से अगर अंडर रूट ए की ए बी, ठीक है, अंडर रूट के अंदर ए बी लिखा हुआ है और इसकी जो कड़ी है वो एन है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, एन ए इंटू एन, यानी इसको हम अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं, या फिर अगर आपके सामने अगर ऐसा कुछ लिखा दिख रहा है तब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, या इसको और आगे लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, ए की पावर एक बटे एन इंटू बी की पावर एक बटे एन। तो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस में इन चीज़ों को अप्लाई करना है, तो क्वेश्चन से समझेंगे कि इनका यूज कैसे करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 8 की पावर 3x माइनस 5 बराबर 1 अपान 32 की पावर 7 माइनस 4x। तो हमने जो भी आपको प्रॉपर्टीज बताई है उसमें आप देखते थे कि पावर तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो बेस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, बेस अगर सेम होगा तभी हम कुछ उसमें ऑपरेशन लगा सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो 8 और 32 यहाँ पर सेम नहीं है, कहने का मतलब है इसका बेस सेम नहीं है, लेकिन इसको सेम कर सकते हो। किस तरीके से, जो 8 है वो 2 की पावर 3 है, ठीक है, 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, और जो 32 लिखा हुआ है उसको आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5। अब आपको जो है हिंट मिल गया है कहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। तो 2 की पावर 8 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखोगे 2 की पावर 3, और आपकी जो पावर है वो ऑलरेडी कितनी लिखी हुई है 3x माइनस 5 बराबर 1 अपान 32। ठीक है, 1 अपान 32 मतलब 2 की पावर 5, और जो पावर है वो पहले से आपकी कितनी लिखी हुई है 7x माइनस 4x, ये पहले से लिखा हुआ है। तो इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए, ये पावर अंश में लिखी हुई है और यहां पर जो लिखा हुआ है वो हर में लिखा हुआ है। तो हमने आपको एक और प्रॉपर्टीज बताई थी कि जब भी आपका a की पावर माइनस एक लिखा हो तब आप इसको a बटा a लिखेंगे, या फिर आप ऐसे कह सकते हो a लिखा हो, a को आप किस तरीके से लिख सकते हो 1 अपान a की पावर माइनस ए, ये इधर आएगा तो a हो जाएगा। अंश से हर में ले जाते टाइम आपकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब ये जो लिखा हुआ है वो हर में लिखा हुआ है, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे अंश में, तो इसका जो पावर का साइन है वो चेंज कर देंगे, पावर का साइन चेंज करना है। ठीक है, तो यहां पर जो भी लिखा हुआ है वो ऐसा ही लिखा रहने दो। तो 2 की पावर 9x माइनस 15 बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा,
अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 35, 35 होगा प्लस का, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस का क्योंकि हम इसको ऊपर लेकर आए हैं, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20, लेकिन ऊपर लाए हैं तो चेंज कर देंगे साइन, ये हो जाएगा प्लस का 20x, यहाँ पर हो गया 9x, यहाँ पर हो गया 20x। अब देखिएगा यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, दोनों में जो बेस है वो सेम हो चुका है। अब आपको पावर सेम करनी पड़ेगी, जो हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी उस हिसाब से आपको पावर बराबर करनी पड़ेगी। तो 9x बराबर 15 और यहां पर 35 माइनस का और प्लस 20x, तो 35 को आप इधर लेकर आओगे कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 बराबर, और 9 को इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा 11x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/11, x की वैल्यू कितनी हो गई 20/11। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहां पर जो x की वैल्यू है किसके बराबर आ जाएगी 20/11 के बराबर। तो देख सकते हो एक क्वेश्चन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं, जब भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का हो जाता है तो यहाँ पर दो चार प्रॉपर्टीज एक साथ यूज हुई हैं, तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्स की पावर, इसकी होल पावर है 5/4 बराबर एक्स की पावर, एक्स की पावर 5/4, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले आप यहां पर देखोगे, सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि इन दोनों में फर्क है। जो हमने आपको प्रॉपर्टीज बताते टाइम एक डिफरेंस बताया था कि इस टाइप का और इस टाइप के क्वेश्चन में फर्क होता है, जबकि आप यहां पर देख सकते हो यहां पर तीनों संख्याएं सेम लिखी हुई है लेकिन यहां पर अंतर है। ये उसकी होल पावर में लिखा हुआ है जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहले एक्स की पावर एक्स करेंगे फिर उसकी पावर 5/4, यहां पर दूसरी चीज है, यहां पर दूसरी चीज है। इसको जब आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा m इंटू n, यानी कि 5x/4, ये हो गया x की पावर 5x/4, इसका मतलब हो गया x की पावर 5x/4 बराबर। यहां पर इस चीज का क्या मतलब है, x की पावर x/5 5/4, जो भी पावर लिखी हुई है वो उसको ऐसे रखेंगे। अब आप यहां पर देखोगे कि दोनों में जो आधार है, जो दोनों में जो बेस है, यहां पर भी x है बेस और यहां पर भी बेस x है, तो बेस अगर सेम है तो इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। पावर यहां पर कितनी लिखी हुई है, 5x/4। अब यहां पर जो हम इसकी पावर को सेम कर रहे हैं लेकिन यहां पर जो पावर लिखी हुई है वो x की पावर 5/4 है, यहां पर जो पावर लिखी हुई है वो x की पावर 5/4 है, तो x की पावर 5/4 इतना हो गया। अब आप यहां पर देखोगे 5x/4, तो यहां पर x की पावर 1 है और इधर x की पावर 5/4 है, तो x को जो हम उधर लेकर जाएंगे तो यहां पर बचेगा 5/4 बराबर x की पावर 5/4, और ये जो x आएगा वो इधर बटे में हो जाएगा, अपान में हो जाएगा। तो 5/4 बराबर x की पावर 5/4, और इस x को जब आप ऊपर लेकर आओगे तो इसकी जो पावर है 1 है प्लस की, ऊपर लेकर आओगे तो पावर माइनस हो जाएगी, x की पावर 5/4 माइनस का 1, तो 5/4 बराबर x की पावर, अब आप यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर 1/4 हो जाएगी। अब फिर से आपको प्रॉपर्टीज लगानी है, देख यहां पर इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है। ये जो क्वेश्चन होते हैं वो पूरी प्रॉपर्टीज पर ही बेस होते हैं, अगर आपको नहीं पता है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब आप यहां पर देखिए इसको कैसे कर सकते हो, दोनों साइड में आप जो है होल पावर 4 कर दीजिए, दोनों साइड में होल पावर 4 कर देंगे, तो दोनों साइड में जब पावर 4 करोगे तो इधर वाला देखोगे तो x के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 1/4 × 4 पावर 1 हो जाएगी, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5/4 की पावर 4, यानी 5 की पावर 4 ये कितना हो जाएगा 625, 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा 625, और 4 की पावर 4 यानी 64 × 4 256, तो x की जो वैल्यू है वो 625/256 ये आ जाएगी। तो चलिएगा दोस्तों यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये यूपीएसआई में पूछा गया है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस वजह से हमने इसको यहां पर लिया है। बाकी सारे जो क्वेश्चन थे वो एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो यहां पर ये क्वेश्चन यूपीएसआई का है। तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है, 625 की पावर 2x-3, 625 की पावर 2x-3, तो 625 को आप क्या लिखोगे 25 का स्क्वायर, 625 को आप क्या लिखोगे 25 का स्क्वायर, और उसकी जो पावर है वो ऑलरेडी आपको कितनी दे रखी है 2x-3, इसकी जो पावर है वो ऑलरेडी आपको 2x-3 दे रखी है बराबर। देखिए आगे कह रहा है कि 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8,
तो अब आप यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 25 की पावर 6, फिर उसकी पावर 1, फिर उसकी पावर 14, फिर उसकी पावर 8। तो हमने जो है आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, 5 की पावर 2 की पावर 5। तो पहले इतने पोर्शन को हल करेंगे, इतने पोर्शन को हल करोगे तो कितना आएगा, 5 जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, ठीक है, तो 5 की पावर 32 हो जाएगा इसका। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर नीचे 4 भी दे दिया जाए, यानी क्वेश्चन आपका ये हो जाए कि 4 की पावर 5 की पावर 2 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 2 की पावर 5, तो इसको जो है ऊपर से सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 5 हो गया 32, तो इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, 32, ठीक है, 32 लिख दिया, फिर उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 5, फिर उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 4, तो यानी 4 की पावर 5 की पावर 32। तो अब आप 5 की पावर 32 का मान निकालोगे, जो 5 की पावर 32 का मान होगा उसी को 4 की पावर में रख देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो अब आप यहां पर देखोगे कि 5 की पावर 25 की पावर 6 की पावर 1 की पावर 14 की पावर 8, 14 की पावर 8 करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद देखिए कितनी पावर बढ़ती जा रही है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर 1 लिखा हुआ नजर आएगा, कहने का मतलब है यहां पर 1 लिखा हुआ है, 1 की पावर आप चाहे कुछ भी करोगे आपका जो आंसर आने वाला है वो 1 आएगा, 1 की पावर आप कुछ भी करो जो बराबर में आएगा वो 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो आपका जो आंसर है वो 1 ही आएगा, यानी इतना जो पोर्शन है 1 की पावर कुछ भी हो, ये 1 की पावर 14 की पावर 8 लिखा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो जाएगी। तो ऊपर वाला चाहे जितना बढ़ता चले जाए कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 1 मिल गया है, तो 1 की पावर 14 की पावर 8 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, 1 की पावर 1 1 होता है, ठीक है, 1 की पावर 20 कर दें तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 20 की पावर 5 कर दें, 1 की पावर 20 की पावर 5 कर दें तब भी 1 ही आएगा, अगर हम 1 की पावर 14 की पावर 8 कर दें तब भी हमारा जो वैल्यू है वो 1 ही आएगी। आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो 1 आने वाली है, ठीक है। तो 25 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 की पावर ये हो जाएगा 4x माइनस का 6, ठीक है, अब आप यहां पर देखोगे 25 की पावर 6 की पावर ये कितना हो गया, 1 बराबर 25 की पावर 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 मतलब ये 6 ही हो जाएगा, बेस यहां पर दोनों का सेम है तो पावर को भी सेम करना पड़ेगा, 4x माइनस 6 बराबर 4x माइनस 6 बराबर 6 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 6 ही होता है, तो 4x माइनस 6 बराबर 6, ठीक है, तो 4x बराबर ये हो जाएगा 12 और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 3, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएसआई में पूछा गया, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब बस आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आपको बहुत ज्यादा पावर दे रखी हो, पावर की पावर की पावर की पावर इस तरीके से दे रखा हो, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या हो जाए, तब आपको वहां पर ध्यान देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको 1 जरूर दिख रहा होगा, अगर 1 नहीं होगा फिर तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इस 1 पर हिट करना है और 1 के बाद जितनी भी वैल्यू होगी उसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी करोगे आपका जो आंसर है वो 1 ही आने वाला है। अगर आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हो तब आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, मेन इस क्वेश्चन में यही था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिस वजह से हमने इसको यहाँ पर लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो सर्ट्स और इंडिसेस अभी खत्म नहीं हुआ है, उसी का एक अगला टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे, उसमें कल वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से अंडर रूट वाली संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है, किस तरीके से अंडर रूट वाली संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाता है, जैसे कि 5 + 2√6 मतलब कि कोई भी अंडर रूट वाली संख्या है उसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, तो ये सारी चीज हम कल वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो कल वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।